हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुपिंदर कौर तुहाडा वेलकम करती हाँ अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑनलाइन ट्यूशन दे विच। सो स्टूडेंट्स, जिवें कि लास्ट वीडियो दे विच असी 12th क्लास दे मैथ दे चैप्टर 3rd दी एक्सरसाइज 3.4 दा कुछ पार्ट कीता सी। हुण जो सम रह गए ने असी ओह सॉल्व करांगे, ठीक है। हुण असी 14th सम तक सारे सम कंप्लीट कर ले सी, हुण असी 15th सम करांगे। 15th दे विच सानू की दित्ता होया है, ठीक है। पहला ही तरह ये यूजिंग एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है, इनवर्स फाइन करना है अपने मैट्रिक्स का। हुण 15th सम दे विच मेरे को इक्वल का दे है 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स दिती हुई है पहला ही तरह ए आई, ठीक है। ए इक्वल का दे रख दे हुने असी ए इक्वल आई ए दे, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने लिए एवं लिखते सी ना असी। हुण ए दी वैल्यू कितनी है 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2, इतने कितना आ गया 3 3 2, ठीक है। इतने असी आई दी वैल्यू लिखते हुए आई दी वैल्यू हुण 3x3 दी मैट्रिक्स है, तो इतने 3x3 दी मैट्रिक्स ही बनेगी 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। इतने असी ए लिखते हुए, ठीक है। हुण मेरे को देखो इत्थे मैं की बनाउणा है 1, इत्थे 0, इत्थे 0, इत्थे 0, इत्थे 1, इत्थे 0 एंड इत्थे 0 0, इत्थे की बनाउणा है मैं 1, ठीक है। हुण जे मैं पहला इहनू सॉल्व कर लां, R3 नू सॉल्व कर लां, ठीक है। इत्थे मेरे को 0 आ जाएगी जे मैं R3 नू सॉल्व करूँगी, तो की लिखूँगी मैं R3 प्लस R2, माइनस 3 3, ठीक है। हमें 2 2 3 R3 ते लगा रहे हैं ना, ता करके पहलियां दो मैट्रिक्स असी पहला इधर ही लिख लेंगे R3 प्लस R2। 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा मेरे को 5, माइनस 2 प्लस द 2 कितना आ जाएगा 0 एंड 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। एवं नैक्सट प्लस कर रहे हैं असी 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 एंड 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। हुण नैक्सट, हुण मेरे को इत्थे 0 बन गई, इत्थे भी मैं की बनाउणा है 0। 0 बनाउण दे लई जे मैं माइनस कर दाँ R2 इक्वल माइनस R1, R2 ते लगा रहे हैं, तो जिहड़ियां दो मैट्रिक्स ने उन्हां नूं पहलां ही तरह ही लिख लाँगे 5 0 5, ठीक है। एवें इधर 1 0 0, इत्थे कितना आ जाएगा 0 1 1, R2 माइनस R1, 2 माइनस 2 0, 2, ठीक है, माइनस कर रहे हैं 2 माइनस माइनस क्यों देगा प्लस, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा मेरे को 5, एवं इतने 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। एवं इधर 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1 एंड 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1 एंड 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। हुण मैनूं इतने 0 0 ही चाहिए सी, मेरे को बन गई है, इतने की आ गया मेरे को 5, ठीक है। मैनू की चाहिए 1, उहदे लई मैं की करूँगी R2 नूं डिवाइड कर दूंगी, R2 नूं डिवाइड कर दूंगी 5 दे नाल, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरे को, इतने कितना आ जाएगा 2 माइनस 3 3, इतने 5 0 5, ठीक है। इतने 1 0 0, इतने 0 1 1, R5 2 नूं डिवाइड कर रहे हैं ना असीं 5 नाल, इतने 0 0 नूं 5 नाल डिवाइड किया 0, 5 नूं 5 नाल डिवाइड किया 1 0 1 5 कितना आ जाएगा 0, एवं इतने माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा 5, इतने कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 एंड इतने 0 अपॉन 5 की आ जाएगा 0, ठीक है। हुण देखो मैं इत्थे की बनाउणा है 0, 0 बनाउण दे लई जे मैं इहनूं 3 नाल मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इहदे विच प्लस कर दाँ तां मैं की लिखूंगी R1 प्लस 3R2, R1 ते लगा रहे हैं, पहलां असीं दूसरियां वैल्यूज उवें लिख लाँगे 5 0 5 एंड इत्थे की आ जाएगा मेरे को 1 सॉरी, इहदे ते कर रहे हैं असीं तां करके मैं नहीं लिखती 1/5, इत्थे 1/5, इत्थे 0, इत्थे 0 1 1, R1 प्लस 3R2, 2 प्लस
थ्री आर टू कर रहे हैं, थ्री जीरो जीरो हो जाएगा तो टू प्लस जीरो कितना आ जाएगा टू, माइनस थ्री, ठीक है माइनस थ्री इनू थ्री ना मल्टीप्लाई की माइनस का थ्री प्लस का थ्री की बन जाएगा जीरो, एवं इतने थ्री इतने तो जीरो ही आ रहा, थ्री प्लस जीरो कि आ जाएगा मेरे को थ्री, ठीक है एवं नैक्सट हूँ इनू भी पहला ही तरह आर वन प्लस थ्री आर टू तो इतने कि आ जाएगा मेरे को वन, ठीक है वन दिता हुआ है, वन प्लस कि आएगा मेरे को माइनस का थ्री अपॉन फाइव क्योंकि इन थ्री ना मल्टीप्लाई किए, एवं इतने जीरो प्लस कि आ जाएगा थ्री अपॉन फाइव, ठीक है एवं इतने जीरो प्लस कि आ जाएगा मेरे को जीरो, ठीक है नैक्सट तो हम मेरे को वैल्यू की आई है टू जीरो फाइव, टू जीरो फाइव कितनी आ रही है जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो एंड इतने फाइव जीरो फाइव, ठीक है इधर वैल्यू आ रही है वन माइनस थ्री अपॉन फाइव, ठीक है माइनस करके कितना आ जाएगा टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, ठीक है इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री अपॉन फाइव, इतने की आ जाएगा मेरे को जीरो एंड नैक्सट माइनस वन अपॉन फाइव, इतने प्लस का वन अपॉन फाइव, इतने जीरो, ठीक है अगे कि आ गया जीरो वन वन, ठीक है मेरे को ए वाली वैल्यूज़ ने गियाँ तो हम देखो मैं इतने की बनाने इतने की चाहिए मैं कि चाहिए इतने वन, ठीक है वन बनाने के लिए सॉरी इतने थ्री सी वन बनाने के लिए जे मैं थ्री ना मल्टीप्लाई करके ये चाहे माइनस कर दाँ तक ही लिखूँगी आर वन थ्री आर वन माइनस आर थ्री, ठीक है आर वन ते कर रहे हैं तो दूसरिया वैल्यूज पहला ही तरह लिख लाँगे फाइव जीरो फाइव इतने माइनस वन अपॉन फाइव इतने वन बाय फाइव इतने जीरो वन वन, ठीक है आर वन माइनस आर वन मल्टीप्लाई की थ्री नाल, ठीक है और जो आ माइनस करना तो कि थ्री टू जा सिक्स, सिक्स माइनस फाइव कि आ जाएगा वन, ठीक है एवं इतने जीरो माइनस कि आ जाएगा जीरो, ठीक है एवं इतने इनू थ्री ना मल्टीप्लाई की थ्री थ्री जहाँ कि आ जाएगा नाइन माइनस फाइव, नाइन के बच्चों की करना असी माइनस करना फाइव, नाइन के बच्चों फाइव माइनस करके इतने कि आ जाएगा मेरे को फोर, ठीक है एवं नैक्सट इतने दिता हुआ मेरे को टू अपॉन फाइव, ये मैं थ्री नाल की कर रही हूँ मल्टीप्लाई तो कि आ जाए सिक्स अपॉन फाइव माइनस जीरो, ठीक है सिक्स अपॉन फाइव भी आ जाएगा एंड इतने थ्री थ्री या नाइन अपॉन फाइव माइनस कि आ जाएगा वन, एवं इतने जीरो माइनस कि आ जाएगा वन, ठीक है तो हम नैक्सट वन जीरो फोर इतने जीरो वन जीरो फाइव जीरो फाइव, ठीक है इधले पासे वैल्यू कितनी आई सिक्स अपॉन फाइव नाइन अपॉन फाइव माइनस वन, ठीक है एलसीएम लवें कि आ जाएगा मेरे को फोर अपॉन फाइव इतने माइनस आ वन इतने कि आ जाएगा माइनस वन अपॉन फाइव इतने वन अपॉन फाइव इतने जीरो वन वन, ठीक है हूँ देखो मैं इतने की बनाना वन सॉरी इतने की बनाना जीरो जे मैं इनू डिवाइड कर दाँ फाइव नाल तो की लिखांगे आर थ्री अपॉन फाइव, ठीक है आर थ्री नू कर रहे हैं तो दूसरिया वैल्यूज पहला ही तरी लिख देंगे सिक्स अपॉन फाइव फोर अपॉन फाइव इतने कि आ जाएगा माइनस सेवन इतने माइनस वन अपॉन फाइव इतने वन अपॉन फाइव इतने कि आ गया जीरो, ठीक है फाइव नू फाइव नाल डिवाइड करांगे कि आ जाएगा मेरे को वन, जीरो अपॉन फाइव कि आ जाएगा जीरो, फाइव अपॉन फाइव कि आ जाएगा वन, एवं इतने जीरो अपॉन फाइव जीरो इतने कि आ जाएगा वन अपॉन फाइव इतने कि आ जाएगा वन अपॉन फाइव, ठीक है हम देखो मैं इतने की बनाना है जीरो, जीरो बनाने के लिए की कर दूंगी मैं माइनस कर दूंगी माइनस आर वन ठीक है वन जीरो फोर इतने कि आ जाएगा जीरो वन जीरो इतने सिक्स अपॉन फाइव इतने फोर अपॉन फाइव माइनस था वन, ठीक है इतने माइनस वन अपॉन फाइव
ਇੱਥੇ 1/5 ਇੱਥੇ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ 3 ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 ਮਾਈਨਸ 6/5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6/5 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ 1/5 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/5 ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 1/5 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 1 0 4 ਇੱਥੇ 0 1 0 ਇੱਥੇ 0 0 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ 6/5 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 1/5 ਇੱਥੇ 1/5 ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6/5 ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3/5 ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6/5 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਰ 3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਰ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 0 4 0 1 0 0 0 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ 6/5 4/5 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 1/5 ਇੱਥੇ 0 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 3 ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 2/5 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 1/5 ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2/5 ਇੱਥੇ 1/5 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2/5 ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ 1 0 4 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 0 1 0 0 0 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6/5 4/5 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1/5 ਇੱਥੇ 1/5 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਇੱਥੇ 2/5 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ 1/5 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2/5 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 0 0 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਰ 1 ਮਾਈਨਸ 4 ਆਰ 3 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਮਾਈਨਸ 1/5 ਇੱਥੇ 1/5 ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ 2/5 1/5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2/5 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ 0 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ 4 ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਹ 1 ਮਾਈਨਸ 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 4 ਮਾਈਨਸ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 6/5 ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6/5 ਮਾਈਨਸ 8/5 ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 4/5 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ 4/5 ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 2 8/1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/5 ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਕੇ 0 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਅਮ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3/5 ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 1/5 ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ 2/5 ਇੱਥੇ 1/5 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2/5 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2/5 0 3/5 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 1/5 1/5 0 ਇੱਥੇ 2/5 1/5 ਮਾਈਨਸ 2/5 ਠੀਕ ਹੈ
जे तुसी आंसर चैक करना, आंसर चैक करना मैं पहला दी तरह, ठीक है, जिवें आपां मल्टीप्लाई की सी ना, इनू आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाल मल्टीप्लाई करके तुसी सॉल्व करके। हुण 16th सम दे विच मेरे कोल ए दी वैल्यू किन्नी दित्ती हुई है, 16th सम कर रहे हैं असी, ए इक्वल कर दे है 1 - 3 - 2 - 3 - 0 - 5 एंड -2 - 5 - 0, ठीक है, पहला ही तरह ए इक्वल आई ए दे, ठीक है, ए दी वैल्यू कितनी है हुण 1 - 3 - 2, इत्थे 3 - 5 - 2 - 5 - 0, इत्थे कितना आ जाएगा 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1, ठीक है। हुण देखो इत्थे मैं आ वाली सारी मैट्रिक्स बनानी है, उहदे लई मैनूं इत्थे 1 चाहिदा, 1 मेरे कोल पहले ही पिया, इत्थे की चाहिदा 0, इत्थे 0, इत्थे 0, इत्थे 1 - 0 - 0 - 1, ठीक है। तां पहलां मैं R3 नूं सॉल्व करदी हां, R3 - 2R1, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, R3 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, -3 - 0 - 5, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 1 - 0 - 0 - 1 - 0, 2 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਨਾ 2 ਨਾਲ, ਤਾਂ 2 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0, ਐਂਡ 5 - 2 - 3 - 6 - 5 - 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -1, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 4, ਠੀਕ ਹੈ, 2 - 2 - 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 0 + 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 - 2 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 - 0 - 0 - 0, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ 0, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗੀ R2 + 3R1, ਠੀਕ ਹੈ, R1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 0 - 1 - 4, ਇੱਥੇ 1 - 0 - 2 - 0 - 1, R2 + 3R1 -3 + 3 0, ਐਂਡ ਇੱਥੇ 0 + 3 - 3 - 9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 9, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ -5 + 3 - 2 - -5 - 3 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 6, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 11, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 + 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 0, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂ R1 'ਤੇ ਓਪਰੇਟ ਕਰਦਾਂ, R1, ਠੀਕ ਹੈ, R1 'ਤੇ ਓਪਰੇਟ ਕਰੂੰਗੀ, R1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ R2, ਠੀਕ ਹੈ, R1 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 0 - 1 - 4, ਇੱਥੇ 3 - 1 - 0 - 2 - 0 - 1, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 - 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3, 3 - 3 - 9 -9 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ -3 - 2 - 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, -6, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ -6 + 11 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ -5, -6 + 11 +5 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, -6 + 11 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ +5, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 3 - ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ 0 - ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1, 0 - 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 0, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ R3 ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ 9 ਨਾਲ, 9R3 ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ R2, ਠੀਕ ਹੈ, R3 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿਉ, 0 - 9 - 11, ਅਤੇ 0 - 1 - 0 - 3 - 1 - 0,
ठीक है, थ्री ना मल्टीप्लाई किए ना आर थ्री नू, सॉरी नाइन ना मल्टीप्लाई किए ना, तो नाइन जीरो ना मल्टीप्लाई की जीरो प्लस जीरो कि आ जाएगा मेरे को जीरो। एवं इतने नाइन ना मल्टीप्लाई की माइनस का नाइन प्लस का नाइन कि आ जाएगा जीरो। एवं इतने नाइन ना मल्टीप्लाई की है कि आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस इलेवन कि आ जाएगा मेरे को ट्वेंटी फाइव। ठीक है, एवं इधर माइनस का टू ठीक है नू नाइन ना मल्टीप्लाई किए माइनस का एटीन प्लस का थ्री कि आ जाएगा माइनस का फिफ्टीन। एवं इतने जीरो प्लस वन कि आ जाएगा मेरे को वन। एवं इतने नाइन ना मल्टीप्लाई किए नाइन माइनस जीरो कि आ जाएगा नाइन। ठीक है, तो हम नैक्सट हूँ देखो मेरे को इतने वैल्यू कितनी आ रही है थ्री जीरो फाइव जीरो नाइन माइनस इलेवन जीरो जीरो इतने कि आ रहे हैं ट्वेंटी फाइव। ठीक है, हूँ मैं पहला आ वाली वैल्यूज़ में सॉल्व करूँगी। उस तो पहला मेरे को देखो इतने मैं वन बनाना है, इतने की बनाना है मैं कि चाहिए इतने मेरे को जीरो। ठीक है, पहला मैट्रिक्स में उम्मीद लिख देंगे थ्री जीरो फाइव जीरो नाइन माइनस था इलेवन इतने जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव। ठीक है, इतने जीरो थ्री माइनस था फिफ्टीन इतने कि आ गया माइनस था वन वन तो वन इतने कि आ गया जीरो जीरो नाइन। ठीक है, हम देखो मैं इतने की बनाना वन उदे तो मैं ट्वेंटी फाइव नाल डिवाइड कर दूंगी। इतने भी की बनाना मैं किन्नी वैल्यू चाहिए मेरे को जीरो सॉरी वन। ठीक है, वन चाहिए उस तो पहला इतने मेरे को कितना चाहिए जीरो उदे मैं की करूँगी आर टू नू मल्टीप्लाई कर दूंगी फाइव नाल फाइव आर टू। ठीक है, उदे विच प्लस कर दूंगी इनू मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं फाइव नाल। ठीक है, कि आ जाएगा फिफ्टी फाइव प्लस कि आ जाओ इलेवन आर वन। ठीक है, ताई वैल्यू जीरो बनेगी ना मेरे को। आर टू तो कर रही हैं पहला दूसरिया वैल्यूज़ में लिख लाँगी जीरो जीरो ट्वेंटी फाइव इतने जीरो माइनस था वन जीरो इतने किना माइनस था फिफ्टीन वन तो नाइन। ठीक है, हुण इनू मल्टीप्लाई किए असी फाइव नाल फाइव नू जीरो ना मल्टीप्लाई किया जीरो प्लस किन्ना आ जाएगा मेरे को थर्टी थ्री जीरो प्लस किन्ना आ जाएगा थ्री ना मल्टीप्लाई की है थर्टी थ्री। एवं इतने मेरे को वैल्यू कितनी आ जाएगी किन्नी वैल्यू दी हुई है मेरे को नाइन। ठीक है, नाइन नू फाइव ना मल्टीप्लाई किया किन्ना आ जाएगा मेरे को फोर्टी फाइव प्लस किन्ना आ जाएगा मेरे को जीरो। ठीक है, इतने वैल्यू किन्नी आ जाएगी मेरे को फोर्टी फाइव। ठीक है, किन्नी वैल्यू आ जाएगी फोर्टी फाइव। एवं इनू भी फाइव ना मल्टीप्लाई किया किन्ना आ जाएगा फिफ्टी फाइव माइनस था फिफ्टी फाइव प्लस था फिफ्टी फाइव किन्नी वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, एवं इतने इतने कि आ जाएगा मेरे को फिफ्टीन इतने कि आ जाएगा मेरे को फाइव माइनस इलेवन फाइव माइनस इलेवन कि आ जाएगा माइनस था सिक्स। ठीक है, इतने कि वैल्यू आ जाएगी जीरो जीरो। तो हम देखो इतने वैल्यू की बनानी है मैं किन्नी वैल्यू चाहिए मेरे को इतने की चाहिए मैं जीरो एंड इतने भी की चाहिए जीरो उदे जे मैं आर वन नू फाइव ना मल्टीप्लाई करता फाइव आर वन माइनस आर थ्री आर वन ते आ रही हैं दूसरिया वैल्यूज नू वैसे लिख दो ट्वेंटी फाइव इतने वैल्यू कितनी आ रही है फिफ्टीन माइनस था सिक्स जीरो माइनस था फिफ्टीन वन ते नाइन। ठीक है, आप ये इनू फाइव ना मल्टीप्लाई करके असं ये माइनस कर रहे हैं ना तो इतने कि आ जाएगा फिफ्टीन माइनस जीरो कि आ जाएगा फिफ्टीन जीरो माइनस जीरो इतने कि आ जाएगा मेरे को फाइव नू फाइव ना मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव कि वैल्यू आ जाएगी जीरो। एवं इतने फाइव नू जीरो ना मल्टीप्लाई किया जीरो माइनस किन्ना फिफ्टीन इतने प्लस का फिफ्टीन आ जाएगा इतने माइनस था फाइव तो प्लस का माइनस था फाइव माइनस था वन कि आ जाएगा माइनस था सिक्स। एवं इतने जीरो माइनस कि आ जाएगा नाइन। ठीक है, हूँ देखो मेरे को इतने वैल्यू कि आ गई। ठीक है, कि वैल्यू आ गई इतने मेरे को फिफ्टीन जे मैं इनू डिवाइड कर दाँ आर वन नू फिफ्टीन नाल तो कि वैल्यू आ जाएगी इतने वन जीरो जीरो इतने फिफ्टीन अपॉन फिफ्टीन माइनस सिक्स अपॉन फिफ्टीन माइनस था नाइन अपॉन फिफ्टीन। एवें दूसरिया वैल्यूज ऐसे ही लिख दो
ते 0 0 25, इतने माइनस था 15 1 9, इतने 15 माइनस था 6 ते 0। ठीक है, हुण जे मैं आर थ्री नू भी डिवाइड कर दा, आर थ्री नू डिवाइड कर दा मैं 25 ना, ठीक है, आर थ्री नू कर रहे हैं, दूसरी वैल्यूज उम्मी लिख दो, 45 0, इतने 0 0, इतने क्या आ जाएगा मेरे को 1, इतने कि आ जाएगा 1। ठीक है, किन्ने नाल असी 15 ना मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इतने कि आ जाएगा माइनस था 2 1 5, 3 दे टेबल दे कट हो जाएगा, इतने कि आ जाएगा 3 1 5। ठीक है, इतने आ वाली वैल्यूज उम्मी लिखी गई, ठीक है, इनू असी 25 नाल डिवाइड किया, 15 अपॉन 25, इतने 1 अपॉन 25, एंड 9 अपॉन भी कि आ जाएगा 25। ठीक है, हुण मेरे को इत्थे वैल्यू की चाहिए है, मैनू 0 0 बनाउण दे लई मैनू 33 ना मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इहदे चों की कर दूंगी माइनस, तो R2 माइनस 33 R1। ठीक है, तो 1 0 0, इत्थे 0 0 1, इत्थे 1 माइनस 2 1 5, -3.5, इतने माइनस का 5 के टेबल से कट देंगे कि आ जाएगा 3.5, इतने 1 अपॉन 25, इतने 9 अपॉन 25। ठीक है, हुण देखो आर टू के मैं माइनस कर रही हूँ 33 ना मल्टीप्लाई करके, 33 माइनस 33 0, आ वाली वैल्यू उम्मीद रह जाएगी, ठीक है, इतने भी कि आ जाएगा 0, एवं इनू 15 माइनस कि आ जाएगा 33। ठीक है, एवं इतने माइनस था 6, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस का, कि 66 अपॉन 5। ठीक है, एवं इतने 0 माइनस कि आ जाएगा, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस 99 अपॉन 5। ठीक है, हुण मैं दोबारा वैल्यू अगे लिखनी हाँ, तो हुण सारी वैल्यू मैं इधर लिखूँगी, कि मेरे को 1 0 0 0 45 0 एंड 0 0 1। ठीक है, इक्वल इधर वैल्यू कितनी आई है मेरे को, 1 माइनस 2 1 5, 1 माइनस 2 1 5, तो माइनस था 3 1 5। ठीक है, नैक्सट कि वैल्यू आई है, 15 माइनस 33। ठीक है, -33, एवी नैक्सट माइनस था 6, प्लस था 66 अपॉन 5, एंड 99 अपॉन 5, अगे -3 अपॉन 5, 1/5, 1/25, एंड 9 अपॉन 25। ठीक है, इन्नी वैल्यू मेरे को, हुण मैं इत्थे वैल्यू पहले इनू सॉल्व करके दिखाऊंगी थोनू। ठीक है, 1 0 0 0 45 ते 0 0 0 1, एंड इतने 1 माइनस 2 1 5, -3 1 5, इतने -3 1 5, इतने 1/25, एंड इतने 9 अपॉन 25। ठीक है, इतने 15 33 के 15 माइनस कर देंगे कि आ जाएगा मेरे को 18। ठीक है, माइनस था 18, इतने कि आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लैके कि आ जाएगा माइनस था 30, प्लस था 66, कि आ जाएगा 36 अपॉन 5, एवं इतने कि आ गया मेरे को 99 अपॉन 5। ठीक है, हुण मैं की करूँगी, आर टू नू डिवाइड कर दूँगी, आर टू नू डिवाइड कर देंगे असी 45 ना। ठीक है, आर टू नू डिवाइड कर रहे हैं 45 नाल, तो 1 0 0 0, इतने 1 आ जाएगा, 0 0 0 1। ठीक है, पहला वैल्यूज उम्मीद लिख दो, -2.5, -3.5। ठीक है, इतने -3.5, 1/25, एंड इतने कि आ जाएगा 9 अपॉन 25। ठीक है, जो इन 45 नाल डिवाइड करेंगे तो माइनस था 18 अपॉन 45, इतने 36 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 45, इतने 99 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 5। ठीक है,
वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ठीक है। तो वन माइनस टू वन फाइव माइनस थ्री वन फाइव माइनस थ्री वन फाइव वन बाय ट्वेंटी फाइव एंड नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है। इतने कट करके नाइन के टेबल से कट करके कि आ जाएगा माइनस था टू वन फाइव इतने कट करके नाइन के टेबल से कट कर देंगे तो फोर अपॉन कि आ जाएगा फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव इतने भी कट कर देंगे नाइन के टेबल से इलेवन अपॉन कि आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ठीक है। तो मेरे को इनवर्स की वैल्यू कि आ गई वन वन माइनस टू वन फाइव माइनस थ्री वन फाइव एंड इतने माइनस टू वन फाइव फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव इलेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव इतने माइनस थ्री वन फाइव इतने वन बाय ट्वेंटी फाइव एंड इतने नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है। ये सम ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस थोड़े लेंथी ने, थोड़ा ध्यान नाल जिहड़ियां भी वैल्यूज़ ने गे उन्होंने चंगी तरह सॉल्व कर लियो ठीक है। हुण नैक्सट सम साढ़े को सैवनटीन सम दे विच की बोलिया होया है ए दी वैल्यू कितनी दिती हुई है टू जीरो माइनस का वन फाइव वन जीरो एंड जीरो वन थ्री ठीक है। पहले ही तरह ये इक्वल का दे हुंदा मेरे को आई ए दी ठीक है। सॉल्व करांगे हुण इहनू ए दी वैल्यू कितनी है टू फाइव जीरो टू फाइव जीरो टू फाइव जीरो जीरो वन वन माइनस द वन जीरो थ्री एंड कि आ गया इधर वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन ठीक है। हुण देखो मेरे को इत्थे मैनू की चाहिए कितनी वैल्यू बनानी है, मैं इत्थे वन वन बनाने के लिए जे मैं इनू थ्री ना मल्टीप्लाई करके ठीक है आर वन से ऑपरेट करा थ्री आर वन माइनस आर टू ठीक है। तो कितनी वैल्यू आएगी तो टू थ्री या कि आ जाए, पहला मैं दूसरिया वैल्यूज लिख देनी हाँ वन जीरो जीरो वन थ्री एंड इतने जीरो वन जीरो 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 वन इनू थ्री ना मल्टीप्लाई की है थ्री टू या कि आ जाएगा सिक्स माइनस फाइव कि आ जाएगा वन जीरो माइनस कि आ जाएगा मेरे को वन ठीक है। एम इतने माइनस था थ्री माइनस था थ्री माइनस था जीरो कि वैल्यू आ जाएगी माइनस था थ्री एम इधर थ्री माइनस जीरो थ्री जीरो माइनस वन माइनस था वन इतने कि वैल्यू आ जाएगी जीरो ठीक है। हूँ देखो मैं इतने की बना कि चाहिए इतने मेरे को जीरो ठीक है। इतने भी की चाहिए मेरे को वन ठीक है। जहाँ पहला मैं इनू सॉल्व कर दी हाँ ठीक है आर वन के मैं माइनस कर दी हाँ आर वन माइनस आर थ्री आर वन से अपडेट कर रहे हैं दूसरी वैल्यूज उवें लिख दो जीरो वन थ्री इतने कि आ जाएगा जीरो वन जीरो 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 वन ठीक है। आर वन के आर थ्री माइनस करना वन माइनस जीरो वन माइनस आ वन सॉरी देखो इतने मेरे को इतने माइनस के साइन है इतने प्लस के साइन मैं प्लस करूँगी ठीक है। वन प्लस जीरो जीरो माइनस आ वन प्लस आ वन जीरो माइनस आ थ्री प्लस आ थ्री जीरो ठीक है। एवं इधर थ्री प्लस जीरो थ्री माइनस आ वन प्लस जीरो माइनस आ वन जीरो प्लस वन वन ठीक है। हूँ मैं इतने भी की बना है जीरो उस तो पहला जे मैं इनू खत्म कर दाँ ठीक है। इनू खत्म करने के लिए की लिखूँगी आर टू माइनस फाइव आर वन तो दूसरिया वैल्यूज उम्मीद लिख दो इतने जीरो वन थ्री थ्री माइनस आ वन वन इतने जीरो जीरो वन आर टू माइनस फाइव आर वन फाइव माइनस फाइव जीरो जीरो माइनस सॉरी वन माइनस जीरो इन्ना आ जाएगा वन जीरो नू फाइव ना मल्टीप्लाई किए तो जीरो ही होगा तां करके मैं सीधा बोल रही हाँ वन माइनस जीरो इन्ना आ जाए जीरो जीरो माइनस जीरो जीरो इतने जीरो माइनस कि आ जाएगा फिफ्टीन थ्री नू फाइव ना मल्टीप्लाई किता गए तो इतने कि आ जाएगा वन प्लस द फाइव कि आ जाएगा सिक्स एवं इतने जीरो
माइनस आ फाइव, किन्ना आ जाएगा माइनस आ फाइव। ठीक है, हुण मैं इत्थे की बनाना है, किन्नी वैल्यू चाहिए है मेरे को, जीरो। उहदे लई मैं की लिखूंगी, आर थ्री माइनस आर टू, ता किन्ना आ जाएगा वन जीरो जीरो, इत्थे किन्ना आ जाएगा जीरो वन जीरो थ्री माइनस आ वन ते वन माइनस आ फिफ्टीन सिक्स माइनस आ फाइव। ठीक है, आर थ्री माइनस आर टू, जीरो माइनस जीरो जीरो, वन माइनस वन जीरो, थ्री माइनस जीरो किन्ना आ जाएगा थ्री। एम इतने जीरो माइनस माइनस कर रहे हैं, प्लस का फिफ्टीन आ जाएगा, इतने जीरो माइनस का सिक्स आ जाएगा, इतने वन ठीक है, प्लस का किन्ना आ जाएगा फाइव, किन्नी वैल्यू आ जाएगी सिक्स। हुण मैं इतने की बनाना है, वन, उहदे लई मैं की लिखूंगी, आर थ्री नूं मैं डिवाइड कर दूंगी थ्री नाल, ठीक है, तो वन जीरो 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 वन जीरो, इधर थ्री माइनस का वन तो वन, इतने माइनस का फिफ्टीन सिक्स तो माइनस का फाइव। ठीक है, इनू असी थ्री नाल डिवाइड किया तो कि आ जाएगा जीरो जीरो वन, इतने थ्री नाल डिवाइड करांगे फाइव, इतने थ्री नाल डिवाइड करांगे माइनस का टू, इतने थ्री नाल डिवाइड करांगे टू। ठीक है, तो ये इनवर्स की वैल्यू कि आ गई मेरे को, थ्री माइनस का वन तो वन, एम इतने माइनस का फिफ्टीन सिक्स तो माइनस का फाइव, इतने कि आ जाएगा फाइव माइनस टू तो टू। ठीक है, हुण नैक्सट सम, तो हुण एटिंथ सम दे विच की बोलिया होया उन्होंने, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, इफ कहिंदे जिवें कि मैं थोनू इनवर्टेबल, ठीक है, मैट्रिक्स है उहदे विच की हुंदा, कहिंदे इहदे विच बी इक्वल कर दे हुंदा ए दा इनवर्स एंड ए इक्वल कर दे हुंदा बी दा इनवर्स। ठीक है, उन्होंने सानू की पुछया, कहिंदे ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, इहदा आंसर की आएगा साडे कोले डी, एटिंथ सम दा आंसर की आएगा डी। उन्होंने की दिता हुआ, ए बी इक्वल, बी ए इक्वल कर दे आई दे। ठीक है, हुण जदों ए बी इक्वल कर दे दिता हुआ है बी ए दे, इक्वल कर दे आई दे। हुण मैं इधर थोनू दिखाया ना, इस की बोलिया हुआ उन्होंने, कहिंदे बी इक्वल कर दे ए दा इनवर्स एंड ए इक्वल कर दे बी दा इनवर्स, ए इक्वल कर दे ए दा इनवर्स इक्वल कर दे हुंदा मेरे को ए दा इनवर्स इक्वल बी दे एंड बी दा इनवर्स इक्वल कर दे हुंदा ए दे। ठीक है, तो यही जदों असीं इहदियां वैल्यूज फिल करांगे साडे कोल आंसर इक्वल कर दे आएगा आई दे। ठीक है, तो इहदा आंसर की होएगा मेरे को डी। सो स्टूडेंट्स, ये साडा लास्ट सम सी, असीं 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। सो हुण मेरी सारे स्टूडेंट्स नूं रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू।